नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री राहत कोष में एसबीआई ने दान किया 1 करोड़। एक अन्य मार्ग में एसबीआई के प्रबंधक निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता और मुख्य महाप्रबंधक महेश गोयल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। 2 सितंबर से होने वाला है जेईई मेन फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने संयुक्त इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए मेन तारीख की घोषणा कर दी है। 2020 में होने वाला जेईई मेंस के लिए 2 से 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगा और परीक्षा 6 से 11 जनवरी के बीच होगी और रिजल्ट आएगा 31 जनवरी 2020 तक। भाजपा ने पौधारोपण के साथ किया सदस्यता अभियान। बेतिया जिले के भाजपा उपाध्यक्ष पारस यादव ने सदस्यता अभियान में राजद के 100 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष गंगा पांडे ने कहा कि किसी भी पार्टी की पहचान उसके सदस्यों से होती है। पटना में सरकारी बैंकों का किया गया मूल्यांकन। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से राज्य स्तरीय परामर्श और नवाचार की 2 दिनों की बैठक हुई, जिसमें 18 बैंकों का प्रदर्शन का मूल्यांकन हुआ और उनकी रेटिंग की गई। समस्तीपुर रेलवे मंडल की प्रशंसनीय पहल। समस्तीपुर में रेलवे प्रशासन की ओर से खाली परिसर और रेलवे ट्रैक के किनारे अब पेड़ पौधे लगाने की पहल की जा रही है, साथ ही खाली जगहों पर नर्सरी बनाई जाएगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए नामांकन प्रारंभ। बिहार का श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च में नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुकी है। यह कल्याण सेवा संस्थान की ओर से संचालित होती है। गुजरात फॉर्चून ज्वाइंट्स ने पटना पायरेट्स को दी सिक्कत। प्रो कबड्डी लीग के 7वें सत्र में गुजरात फॉर्चून ज्वाइंट्स के पटना पायरेट्स को 29-26 से हराया और लगातार 6 मैचों से पराजित होने के क्रम को पीछे छोड़ा। मीनापुर के ग्रामीण श्रमदान से बना रहे सड़क। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश गुप्ता के नेतृत्व में मीनापुर प्रखंड के मुस्तफागंज गाँव के लोगों ने श्रमदान देकर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीण के अनुसार लंबे समय से इस सड़क की बनाने की मांग की जा रही थी। आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हुए 39.2 लाख। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह बताया है कि आयुष्मान भारत योजना में अब तक 39.2 लाख से अधिक लोग इलाज करवा चुके हैं और इस इलाज में हृदय और कैंसर के मरीज भी शामिल हैं। पटना के मेट्रो का संचालन कर सकता है DMRC। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को ही पटना के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को भी उसे ही सौंपा गया था। किस्से, कहानियों और चित्रों के द्वारा पढ़ाई होगी रोचक। शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों को रुचियुक्त पढ़ाई करवाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण मिल रहा है। वे अब छात्रों को किस्से, कहानी और चित्रों के माध्यम से विभिन्न विषयों को पढ़ाएंगे। टीचर भर्ती के नियम में हुए ये बड़े बदलाव। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक नियोजन में बड़ा बदलाव हो चुका है। इंजीनियरिंग, बायोटेक, स्नातक, BCA और BSc इलेक्ट्रॉनिक्स भी मध्य विद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे। 2 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने शुक्रवार को 2 IPS अधिकारी का तबादला कर दिया है। होमगार्ड DG की कमांड RK मिश्रा को दिया गया है। वहीं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारियां IPS सुनील कुमार को सौंपी गई। प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेला का 96वां आयोजन। प्रसिद्ध मौनिया बाबा मेला का 96वां आयोजन होने वाला है। इसकी तैयारी में 1 माह पूर्व से बैठक की जा रही है। इस मेले में 4 राज्यों के लोग शामिल होते हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और छत्तीसगढ़। जदयू, राजद और भाजपा पार्टी ने बिहार के नेताओं को दी राज्य प्रभारी जिम्मेवारी। झारखंड में इस वर्ष अक्टूबर नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। जदयू, राजद और भाजपा पार्टी ने बिहार के अनुभवी नेताओं को राज्य प्रभारी पद पर नियुक्त किया है। नहीं पहुंचा अब तक दुमका के गांव में बिजली। आजादी के इतने वर्षों बाद भी जनजाति के एक गाँव बाली जोर के दुमका जिला के फोकस एरिया काठीकुंड प्रखंड और पिपरा पंचायत के अंतर्गत आता है, वहां अब तक बिजली नहीं जा सकी है। चाईबासा में हुई LPG योजना की शुरुआत। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत LPG योजना का आरंभ सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा में हुई।
मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत करके गैस का दूसरा सिलेंडर का लाभ उज्ज्वला दीदियों को दिया। कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृष्ण के जन्मदिन कृष्ण अष्टमी पर पूरे देशवासियों को सोशल मीडिया के माध्यम से ट्विटर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कृष्ण का उपदेश फल की इच्छा किए बिना सत्य के मार्ग पर चलने का है। राजद युवा नेता तेजस्वी पार्टी की सदस्यता अभियान को करेंगे संबोधित। युवा राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बड़े जोर शोर से पार्टी की सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी बीते 9 अगस्त को पटना में सदस्यता अभियान शुरू करने वाले थे, लेकिन वो अनुपस्थित रहे। अब वो 25 अगस्त को राजद के चल रहे सदस्यता अभियान को संबोधित करेंगे। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के समय में हुए बदलाव। गौरतलब है कि पिछले महीने 5 जुलाई को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का कार्यक्रम जारी किया गया था, परंतु अभ्यर्थियों से अधिक आवेदन होने को लेकर विभाग द्वारा गठित कमेटी ने समीक्षात्मक बदलाव किए हैं, जो कि अब इन समयों के अनुसार की जाएगी। 13 सितंबर को सूचना प्रकाशित, 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन, 14 नवम्बर को मेघा सूची प्रकाशन, 15 से 29 नवम्बर तक आपत्ति, 7 दिसंबर को अंतिम मेघा सूची, 4 जनवरी 2020 को सार्वजनिक, 6 से 13 जनवरी तक चयन सूची बनेगी और 16 से 20 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की सदस्यता कार्यक्रम बारिश में भी रही जारी। तेजस्वी यादव पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होकर विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बिंदुपुर प्रखंड में दर्जनों लोगों को राजद पार्टी की सदस्यता दिलाई। 4 वर्षीय कोर्स बीएड कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त से, जिसकी परीक्षा 15 सितंबर को, रिजल्ट 20 सितंबर को और 23 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 27 सितंबर तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 30 सितंबर से नए सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिल्ली के एम्स में हुआ निधन। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज अरुण जेटली का शनिवार को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। बिहार बोर्ड के इस नियम में होगा बदलाव। मानव गोपाल की याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने जवाब दिया है। इस पर उच्च न्यायालय ने छात्र को एक महीने के अंदर लैपटॉप और 75,000 रुपए देने का आदेश दिया है। जानते हैं आज के मौसम का हाल। मुजफ्फरपुर, राजगीर, औरंगाबाद, फारबिसगंज में गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं भागलपुर, गया, मोतिहारी, नालंदा, पटना, पूर्णिया और छपरा में हल्की बारिश होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।